इधर हाथी घोड़े सब सोए हैं, मेढक वेढक। थोड़ा सा डेकोरेशन, इतना नींद आ रही है लेकिन। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, आज है मकर संक्रांति, तो आप सभी को मेरी ओर से हैप्पी मकर संक्रांति। आपका दिन अच्छा जाए और बहुत सारे घुघुते खजूरे आप लोग बनाएं। और गाइस, हम तो नहीं बना सकते इस बार क्योंकि मेरे चाचा ससुर एक्सपायर हो रहे थे, तो ये साल जो भी है त्यौहार हम छोड़ेंगे। आप लोग बनाना अच्छे से और दिन अच्छा जाए आपका। तो गाइस, आज हमारे यहाँ बहुत ही दिनों बाद 1 या 1.5 महीने बाद धूप आई है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर मतलब सोसाइटी में धूप आती नहीं है, थोड़ी थोड़ी आती है। मतलब इतनी अच्छी धूप तो अभी तक नहीं आई है 1-1.5 महीने में। तो मैं दिखा दूँ, ये देखिए हमारे ना अंदर तक का धूप आती है, बिल्कुल अंदर तक का, ये अंदर भी धूप आई है। देखिए बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है आज, मुझे लगता है अब मौसम खुल जाएगा, इतनी ठंडी नहीं पड़ेगी अब। बहुत ही अच्छा लग रहा है आज, हमारे यहाँ धूप आई है। तो गोलू यहाँ बैठा हुआ है, ये मेरा गोलू, ये गोलू को मैंने मशीन के ऊपर धूप सेकने के लिए बैठा रहा हुआ है। हाँ बोलो बोलो। हाँ तो गाइस, कल ना हम मंदिर देखने भी गए थे, बहुत दुकानों में देखा लेकिन उतना कोई पसंद नहीं आया। तो इसके पापा ही जाएंगे, वो ही लेकर आएंगे, पर मेरे तो कोई पसंद नहीं आया। एक हमने ले भी लिया था, वो पड़ा था हमें, कितने का था वो, 1400-1500 का था। लेकिन ना लास्ट में क्या हुआ, हमने पैकेज भी करा लिया था, लास्ट में जो उसका ड्रॉर होता है ना खोलने वाला, उसका पेज निकला हुआ था, तो इसके पापा ने मना कर दिया कि ले रहे हैं उसमें भी सही नहीं मिल रहा तो क्या ले रहे हैं। तो फिर आ जाओ तब जाके, तो अब इसके पापा ही लेकर आएंगे, आ जाएंगे। तो इसके पापा गए हैं खेलने के लिए, और अब मैं बनाती हूँ लंच ही बना लेती हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट का तो टाइम चला गया है, 10 बज गए अभी। तो सीधे आज मैं सोच रही हूँ कढ़ी वाली, पकौड़े वाली कढ़ी बनाऊँ कढ़ी वाली के लिए पकौड़े वाली कढ़ी बनाऊंगी। हाँ आप लोग भी आना कहो। हाँ आ जाओ, बताओ, आओ आओ कहते, आओ आओ आ जाओ। हाय, तुमने खाना खाया और नहीं खाया? खा लिया। अच्छा, इसने खाना खा लिया। पप्पी का तो पप्पी नहीं करेगा, गुंदा गुंदू गुंदा गुंदा है। तो चलिए गाइस, मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो फ्रेंड, अभी गोलू मेरा सो गया है और मैंने चावल और पकोड़े बना दिए हैं। गोलू को मैंने यहाँ पे सुलाया हुआ है, ये देखिए सो रखा है ये, और मैंने कढ़ी चावल अपना रेडी कर दिया है, तो वो भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए, ये रखे हैं यहाँ पे पकोड़े और ये कढ़ी है, इसमें अभी डालूँगी मैं, और इसमें चावल है। और मोनी के लिए मैंने ना घर गंदा करती है करके इसके वहाँ कर रखा है, उसको वहाँ पे रखा हुआ दिखाती हूँ। इसके लिए यहीं पर ही बालकनी में चटाई बिछा के अपना इसका टॉयज वॉइज सब यहीं पर ही बिखरे हुए हैं। ठीक है, क्या कर रही है, हमें मोड़ा उड़ा भी रखा हुआ है। ये यहाँ पर इसके बंदर हाथी घोड़े सब सोए हुए हैं, मेढक वेढक। उठे ये, तुमने सुला दिए, ये सुलाई नहीं, खाना ना नहीं खिलाया इनको, बाल हटाओ आंखों से, ये बार बार आंखों में जा रहे हैं बाल, बाज रही हूँ तो खोल दे रही हूँ बार बार। गाइस ये देखिए, मेरी लहसुन हो गई है, इतनी बड़ी हो गई मेरी लहसुन। और मोनी यहाँ पर डॉक्टर डॉक्टर वाला भी खेल ली है, तो आ बच्चे आए हैं, ये बच्चे बाहर से खेल रहे हैं, ये देखिए। तो ये है कढ़ी चावल,
किस किस के मुंह में पानी आया वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना गाइस। कढ़ी चावल तो गाइस मुझे ना बहुत अच्छी लगती है कढ़ी चावल, मेरे ना मुंह में पानी आ जाता है। तो आप लोग को किस किस को देख ये कढ़ी चावल को देख के किस किस के मुंह में पानी आया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और किस किस को कढ़ी चावल अच्छा लगता है वो भी बताना। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कढ़ी चावल, जैसे मैं सफ़र में जाऊँ ना, जैसे पहाड़ों के सफ़र में ना कढ़ी चावल, या तो मैं कढ़ी चावल खाती हूँ या मैगी, दो चीज़, और इतना अच्छा लगता है ना कढ़ी चावल। तो मोनी वहाँ पे बैठ के खा रही है अपना खाना, तो मैं भी वहीं चले जाती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे। गाइस तो मैंने ना अपने मेज को इस तरह से डेकोरेशन किया हुआ है, ये ना पत्थर हैं ये कम थे, तो यहाँ पे थोड़े से फ्लावर टाइप के हैं ये, तो ये ना कम पड़ गए, दो पैकेट लेकर आई थी मैं, ये कम पड़ गए हैं, अभी और लेकर आऊँगी, फिर भी थोड़ा ठीक लग जैसा लग रहा है अब। इसके पापा को अभी कॉल किया था तो मैंने, तो वो 2:30 बज गए अभी तक नहीं आए हैं, तो हम तो खा पी के अब सो जाते हैं थोड़ी देर। तो गाइस मेरे ना जूते आ गए थे और जूते मुझे फिर से छोटे हो रहे हैं, मैंने अब उसको रिटर्न ही करवा दिया है। तो ये जूते हैं, ये जूते का पार्सल है, इसको मैं रिटर्न ही करवा रही हूँ अब, क्योंकि मेरे साइज का उसमें था भी नहीं जूता, और ये जूते मुझे छोटे हो रहे हैं तो मैं इसको रिटर्न ही करवा देती हूँ, यहाँ पर रख दिया मैंने। तो चलिए गाइस आपसे मिलती हूँ मैं शाम को। तो अभी बज गए हैं शाम के 8 और मैं बना रही हूँ मूली के पराठे और पालक पनीर की सब्जी। तो मूली वूली सब कोल दिया, अब मैं आटा गूंथ रही हूँ। तो आज हम ना कहीं नहीं गए शाम के टाइम में, इसके पापा को उसका ज़्यादा काम हो गया था तो इसीलिए हम कहीं नहीं गए हैं। और ये देखिए मैंने गोलू को कैसे बैठा लिया हुआ है पीछे, इसको ना नींद आ रही है। इसको ना नींद आ रही है, लेकिन अब मैं जो खाना ही बनाना है और इसके बाद वो ऑफिस का काम करना है, तो ऐसे देख रही हूँ क्या। तो अभी मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर। गुड मॉर्निंग गाइस, कल रात में ना आप लोग को अपना पालक पनीर की सब्जी दिखाना मेरा मतलब वीडियो में शूट नहीं कर पाई, भूल गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो पूरी की जाए, और वीडियो को तो मैं दिखाती हूँ आपको अपना पालक पनीर की सब्जी। ये मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट है, अभी बज रहे हैं 11, हाँ तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये है गाजर का हलवा और ये है पालक पनीर की सब्जी गाइस, और ये गोलू खा रहा है गाजर का हलवा, और ये रोटी रखी है मेरी, और ये दूध है। तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट। तो गाइस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पर ही एंड, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय बाय गाइस, ध्यान रखिए अपना।